wild homies. Yeah, Shagger on the beat. Red Eye Gangster. Tess, Lachi. Yeah. कैसे आप सब, ये हमारा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है चौधरी फिटनेस। इसमें आपको अलग अलग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बिगिनर एक्सरसाइज फॉर बैक वर्कआउट। तो जैसे कि हमने आपसे बताया था कि हम बैक की वर्कआउट बताएंगे बच्चों के लिए, तो ये हमने कुछ बैक की एक्सरसाइज दिख रखी है। इसमें डेड लिफ्ट दिख रही है 4x7 रैप, लेफ्ट पुट डाउन दिख रही है 4x8 रैप, बेंट ओवर रोइंग 4x10, सिंगल हैंड डंबल रोइंग 5x8, क्लोज लैग पुल डाउन 3x8। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि मैंने क्लोज लैग पुल डाउन 3 सेट ही क्यों लिख रखे हैं। तो 3 सेट मैंने इसलिए लिख रखे हैं कि बच्चे पर डिपेंड करता है किस बच्चे की कितनी स्ट्रेंथ है। अब एक बच्चा बहुत पतला आता है तो मैं ये तो बोल नहीं सकता कि इसको भाई तू 5x8 रैप ही लगा। अब बच्चे की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है किसका कैसा फ्रेम है, हर एक बच्चे पर अलग अलग चीज़ डिपेंड करती है। तो अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज। इस सेशन में हमारी हेल्प करेगा कार्तिक। तो ये मेरा स्टूडेंट है कार्तिक, ये आपको बैक की जितने भी एक्सरसाइज दिख रही थी ये सारी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं। तो ये मेरा स्टूडेंट कार्तिक है, हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली करी है। तो हम आपको बताएंगे कि ये हमारे बैक की एक्सरसाइज में ये हमें बताएगी कि कैसे एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। कार्तिक भी हमारे पास बहुत पतला आया था, कितना वेट था कार्तिक? 68 करीब था इसका वेट। तब हमने इसका गेनिंग करवाई, नेचुरल प्रोसेस में गेनिंग कराई, कितना वेट गया था? 82। फिर हमने कॉम्पिटिशन की तैयारी करी, फिर कितना वेट गया? 76 गया। तो अभी इसका वेट 80 किलो है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कटिंग से एकदम से कार लोड कर दे तो आपकी वेट में एकदम बाउंस बैक मारता है, आपका वेट एकदम स्पाइक करेगा। तो अभी इसकी रिसेंट कंडीशन ये है, हम आपको इसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे क्योंकि हमने नेचुरली ही करी है। तो हमारी पहली एक्सरसाइज डेडलिफ्ट है, तो हम आपको करके दिखाएंगे डेडलिफ्ट कैसे करते हैं। देखिए डेडलिफ्ट ना दो टाइप की होती है। आप देखते होंगे कि फॉरेन में जो ब्रांच होते हैं थॉर होते हैं, ये लोग डेडलिफ्ट की कैसे करते हैं लोग। तो ये लोग ऐसे डेडलिफ्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये लोग रिस्ट रैप यूज करते हैं जिससे कि बार इनकी स्लिप ना हो। पर हमारे इंडियन स्टाइल में हमें डेडलिफ्ट कैसे करनी सिखाई जाती है, एक हाथ ऐसे एक हाथ उल्टा। तो हमें इसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे मान लो हमारे हाथ से यहाँ से अगर बार छूटी तो यहाँ से पकड़ी जाएगी, अगर यहाँ से छूटी तो यहाँ से पकड़ी जाएगी। तो कार्तिक अभी आपको करके दिखाएगा कि डेडलिफ्ट कैसे करते हैं, 5 रैप करके दिखाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 बस गए। तो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। इसमें हम आपको देखेंगे कि इसको एक्चुअल बार को कैसे पकड़ा जाता है। अब बच्चे जब फ्रंट लैट पुल डाउन करते हैं तो इस एंगल को यहाँ से पकड़ते हैं, कोई यहाँ से पकड़ता है, कोई यहाँ से पकड़ता है। एंगल हमेशा तब पकड़ना है जब बार का एंगल जहाँ से बेंड हो रहा है यहाँ से पकड़ना है इसको। इसकी एग्जैक्ट मूवमेंट ये है, एक यहाँ से एक यहाँ से। कार्तिक हमें करके दिखाएगा कि कैसे करते हैं। बैक आपको अपनी पीछे रखनी है, चेस्ट आउट लोअर बैक अंदर, और बार का अंदर जाएगा सिर्फ स्ट्रेट पूरा अपर चेस्ट पे। 5 रैप मार के दिखाएगा कार्तिक आपको। 1, 2, 3, 4, 5 खड़े हो जाए। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। अब जैसे कि अब मैं कार्तिक से कहता हूँ कि कार्तिक इसको ऐसे पकड़ के बिहाइंड दी नेक मार, तो ये वाली एक्सरसाइज टोटली बैन है। इसे आपको सर्वाइकल होने के मैक्सिमम चांसेस है। तो हम आपको ये भी परफॉर्म करके दिखाएंगे, पर आपको करनी नहीं चाहिए बिगिनर बच्चे को, तो खास कर से नहीं करनी चाहिए। तो हम इसके आपको 3 रैप मार के दिखाएंगे। ये कार्तिक की मसल में आपको कॉन्ट्रैक्शन तो दिख रहा होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन जरूर आता है, पर सर्वाइकल होने के चांसेज रहते हैं, इसमें स्पाइन में पेन आ सकता है। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बेंट ओवर रोइंग। तो हम आपको दिखाएंगे कि बेंट ओवर रोइंग कैसे करते हैं। आइए कार्तिक दिखाइए कैसे करते हैं बेंट ओवर रोइंग। तो बेंट ओवर रोइंग अभी कार्तिक कर रहा है रिवर्स ग्रिप, इसमें एक नॉर्मल ग्रिप भी होती है, पर हम अभी रिवर्स ग्रिप दिखा रहे हैं आपको कि कैसे करते हैं। ये आपको वेस्ट तक लेके जाना है, आपको वेस्ट तक टच करना है और पूरा नीचे लेके आना है, ब्रीथ आउट करना है, ऊपर आते हुए इनहेल करना है, एक्सहेल इनहेल। तो
तो ये हमारी थी बेंट ओवर रोइंग की एक्सरसाइज। इसमें कुछ बच्चे ये वाली भी मूवमेंट होती है, एक रिवर्स ग्रिप भी होती है। अब जैसे कि कार्तिक की बैक है, इस मसल को कहते हैं लैटिसम रोट्स, छोटी भाषा में लैट्स कहते हैं। तो जब हम रिवर्स ग्रिप कर रहे हैं तो मसल के अंदर ज़्यादा स्क्वीजनेस आएगी जब हम रिवर्स ग्रिप कर रहे हैं। जब हम इसको वाइड पकड़ के कर रहे हैं तो मसल के अंदर स्ट्रेच ज़्यादा होगा। वो ये भी कह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। पर्सन कहते हैं कि नहीं, मेरे को रिवर्स ग्रिप में ज़्यादा अच्छी स्क्वीजनेस महसूस हो रही है कंपेरेटिवली टू नॉर्मल ग्रिप। तो ये भी डिपेंड करता है कि किस बच्चे का कैसा जेनेटिक है, कैसा शरीर। अब हमारी एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, हम आपको दिखाएंगे ये कैसे करते हैं। अब इसमें एंगल आपको यहाँ से पकड़ना है, आपकी ये लैट है, आपका हाथ करके दिखाता है, ये क्लोज टू दी लैट होगा। ये एक बार कार्तिक इसको ऊपर करो, होल्ड करो, ऊपर करो और ऊपर होल्ड करो। ये लैट है, ये क्लोज टू दी लैट रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से पकड़ना है, ये क्लोज टू दी लैट मतलब इट शुड बी क्लोज टू दी लैट। तो कार्तिक करके दिखाओ, कार्तिक हमें 5 रैप करके दिखाएंगे। ऑक्सीजन का जो प्रोसेस है सेम रहेगा, इन्हें नीचे इनहेल करनी है, ऊपर एक्सहेल करनी है। ये हमारा प्रोसेस है इसका क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन का। ऑक्सीजन का आपने हमेशा ध्यान रखना, इनहेल एक्सहेल का मेन प्रोसेस है। ऐसे नहीं करना कि आप एक ही बारी में सारी ऑक्सीजन लेके 7-8-10 रैप मार के फटाफट से खींच के खत्म। ये तो एक्सरसाइज खत्म करने वाली बात है, और मेरे को नहीं लगता इस हिसाब से आपका मसल ट्रेंड होगा। मसल को ऑक्सीजन चाहिए होते तो ऑक्सीजन आपको देना है उसको। तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है सिंगल आर्म रोइंग, सिंगल आर्म डंबल रोइंग। तो कार्तिक आपको करके दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, जब हम ऊपर आएंगे इनहेल करेंगे, नीचे जाके एक्सहेल करेंगे। अब इसकी एक मूवमेंट और होती है, इसमें वेरिएशन बहुत सारी दे सकते हैं, पर अगर आप अभी हम बिगिनर बच्चों के लिए चैनल बना रहे हैं, बिगिनर बच्चों के लिए पहली वीडियो है, तो हम इसको इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। इसमें वेरिएशन तो हम बहुत सारी दे सकते हैं, जैसे कि एक वेरिएशन इसमें ये भी दे सकते हैं, एक वेरिएशन ये भी दे सकते हैं, इसमें 5-6 वेरिएशन के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आप वीडियो को देख के ये मत समझना कि ये बच्चा मेच्योर है, ये बिगिनर से थोड़ा सा ऊपर है, बिल्कुल ही बिगिनर नहीं है। इसकी आपको बॉडी को देख के पता ही लग गया होगा। तो बस ये था हमारी आज का बैक का वर्कआउट का प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जिसे कहते हैं घंटा।